नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ चुके, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम कर चुके और बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में एप्लीकेशन क्या है, इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारी थ्योरी कहाँ तक सही है, और ये क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड लिए गए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आपके दो मामले सधेंगे, पहला तो आपको कुछ एग्जाम में भी आएंगे और दूसरा आपकी थ्योरी की क्रॉस चेकिंग होगी। तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन क्षेत्र में कैसे हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में जो एप्लीकेशन है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। एक इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड आंसर है ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तीसरा आंसर है इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और फोर्थ है डेवलपिंग न्यू एनर्जी सोर्स। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेडिसिन में देखिए ये कौन सा आंसर सही है, हमारा बी है, ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी नहीं मतलब है, इसका एनर्जी सोर्स से नहीं मतलब है। ये अपने आप क्वेश्चन सही हो गया, ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन पर्पज है। दूसरा देखते हैं, व्हिच बायोटेक्नोलॉजिकल टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एम्प्लीफाइंग डीएनए सेगमेंट्स। देखिए हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स और प्रोसेस पढ़े थे, उस टूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर वन है पीसीआर, दूसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरा आंसर है साउदर्न ब्लॉटिंग, और फोर्थ है डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें क्या कौन सा आंसर है, एम्पलीफाइंग के लिए, एम्पलीफाइंग के लिए पूछ रहा है कौन सा टूल है, वो है हमारा पीसीआर पॉलीमरेज। तीसरा है इन जीन थेरेपी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, जीन थेरेपी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर एक क्लोनिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म, दो है करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स, सी है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और फोर्थ है स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। कौन सा आंसर सही है, ये आंसर हमारा बी सही है, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स मेन ऑब्जेक्टिव जीन थेरेपी का। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए लिगेज, डीएनए लिगेशन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हिच एंजाइम इज क्रूशियल, डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है डीएनए लिगेज, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज, और फोर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें कौन सा है, डीएनए लिगेज क्रूशियल, क्रूशियल है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक प्रोसीड फॉर थेरेप्यूटिकल यूज, हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। पहला आंसर है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, सेकंड है सिंथेसाइज केमिकली, और अगला है आइसोलेटेड फ्रॉम हाइब्रिडोंस, और फोर्थ है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसका सही आंसर कौन सा है, आइसोलेटेड फ्रॉम हाइब्रिडोंस। अगला है, व्हिच बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर डीएनए प्रोफाइल्स। फर्स्ट आंसर है पीसीआर, सेकंड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग और फोर्थ है क्लोनिंग। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आंसर सही है। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिप्सर कैस 9 टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका क्या है फंक्शन क्रिप्सर? जीन साइलेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग और जीन एडिटिंग, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। कौन सा आंसर सही है? जीन एडिटिंग। ये टेक्नोलॉजी जो है CRISPR-Cas9, ये क्या होता है, इसका फंक्शन है जीन एडिटिंग किया जाता है इससे। हाउ इज इंसुलिन कॉमनली प्रोड्यूस्ड फॉर मेडिकल यूज? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनिमल्स, सिंथेसिस इन बैक्टीरिया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सी है आइसोलेशन फ्रॉम प्लांट्स, डी है केमिकल सिंथेसिस। देखिए ये इंसुलिन के बारे में इसको जरूर पढ़े रहिएगा, सिंथेसिस इन बैक्टीरिया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए लिगेशन, थर्ड है डीएनए क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट्स और फोर्थ है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसका कौन सा आंसर है? डीएनए क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यही रोल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल इन ए मेडिसिन? अब देखिए फर्स्ट है इन वाइटो फर्टिलाइजेशन, बी है क्लोनिंग, सी है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और डी है जीन थेरेपी। इसमें कौन सा है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसका आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स? पहला आंसर है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा है फास्टर प्रोडक्शन टाइमलाइंस, तीसरा है इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी और फोर्थ है रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इसका आंसर क्या है? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे चले, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीन थेरेपी व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग वायरल वेक्टर? वायरल वेक्टर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड है डिलीवरी ऑफ थेरेप्यूटिकल जीन्स इन टारगेट सेल, सी है डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन और फोर्थ है इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें कौन सा है? डिलीवरी ऑफ थेरेप्यूटिकल जीन्स इन टारगेट सेल, किसका? वेक्टर, वायरल वेक्टर का पढ़ाया गया था, हम लोग पढ़े थे। Which technique is commonly used to separate and analyze DNA fragment based on their size? Size के आधार पे separate और analyze कौन सी टेक्निक से किया जाएगा? PCR, gel electrophoresis, DNA sequencing, southern blotting। इसमें कौन सा है? Gel electrophoresis, हम लोगों ने पढ़ा था gel electrophoresis, polymerase chain reaction, दो चीज, दो techniques इसमें यूज होती है, दोनों जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दोनों में है, दोनों के अलग अलग रोल है, इसको ठीक से पढ़ाया गया था। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन फील्ड ऑफ मेडिसिन? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से है, ये भी मेडिसिन से एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आ गया क्वेश्चन, इसमें भी आ गया क्लोनिंग ह्यूमंस, दूसरा मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग इन द ह्यूमन जीनोम, सी है क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और फोर्थ है स्टडीइंग जीन एक्सप्रेशन। इसमें कौन सा आंसर सही है? मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यह है फील्ड के क्षेत्र में। हाउ डज आरएनए इंटरफेरेंस
कंट्रीब्यूट टू बायोटेक्निकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। देखिए ये कई बार पूछा गया है। पहला आंसर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, दूसरा है इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तीसरा आंसर है सिंथेसिस ऑफ आरएनए वैक्सीन, और फोर्थ है क्लोनिंग ऑफ आरएनए सीक्वेंसेस। इसमें आंसर कौन सा सही है? ये इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द, ये है क्राइसपर केस 9 सिस्टम इन जीन एडिटिंग। इसका देखिए क्या पर्पज है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ डीएनए टारगेटेड साइट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और फोर्थ है इनहिबिशन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें कौन सा आंसर सही है? स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ डीएनए एट टारगेट साइट्स। किसका है? CRISPR CAS9 का। Which biotechnical techniques used to study gene expression by measuring messenger RNA levels? देखिए भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। PCR, दूसरा है DNA fingerprinting, C है Northern blotting, और D है DNA sequencing। इसमें कौन सा आंसर है? Northern blotting। नेक्स्ट है, इन द कंटेंट ऑफ जीन थेरेपी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स विवो जीन डिलीवरी। एक्स विवो जीन डिलीवरी, एक्स और एन विवो जीन पढ़ाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था डिलीवरी, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ थेरेप्यूटिकल जीन्स इनटू बॉडी पेशेंट्स, मॉडिफाइंग जीन्स विद इन द पेशेंट्स बॉडी, सी है आइसोलेटिंग एनी मॉडिफाइंग सेल्स आउटसाइड द बॉडी बिफोर री इंट्रोडक्शन, और डी है इनहिबिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। देखिए आइसोलेटिंग एंड मॉडिफाइंग सेल्स आउटसाइड द बॉडी बिफोर री इंट्रोडक्शन, ये एक्स में आउटसाइड, एन में इनसाइड, यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। What is the significance of transgenic animal in biotechnological research? इसका transgenic animal का क्या role है, क्या significance है? Studying natural behavior, producing genetically modified crops, producing modified human disease and testing their therapeutical intervention, or fourth है enhancing biodiversity. इसमें कौन सा है? माडी मॉडलिंग ह्यूमन डिजीज एंड टेस्टिंग थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन, ये इसका आंसर है। व्हिच टर्म रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बायो रेमिडेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेसिंग। इसमें कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही तो है। नेक्स्ट है, हाउ डज एलिसा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कंट्रीब्यूट टू मेडिकल डायग्नोसिस, कैसे क्या रोल है इसका, आइडेंटिफाई डीएनए सीक्वेंस, डिटेक्टिंग एंटीबॉडी और एंटीजन इन बायोलॉजिकल सैंपल्स, एम्प्लीफाइंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, सीक्वेंसिंग प्रोटीन्स। इसमें कौन सा है? एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को ही एलिसा के माध्यम से देखा जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कैसे करती हैं, इसी के लेवल। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लिगेज इन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड है क्लीवेज ऑफ डीएनए, सी है ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट टूगेदर, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, फोर्थ है। इसमें कौन सा है? लिगेज, कई बार आ चुका है, ज्वाइनिंग एंजाइम्स है। हाउ डज फार्मा जीनोमिक्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनलाइज मेडिसिन। नंबर वन है स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन एंटायर पॉपुलेशन,
कस्टमाइजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएशन, सी है क्लोनिंग ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, और डी है एनहेंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? कस्टमाइजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएशन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी इन द मेडिसिन? सिंथेटिक बायोलॉजी का प्राइमरी एम क्या है मेडिसिन का? प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, सी है स्टडीइंग नेचुरल इकोसिस्टम, और डी है इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन। आंसर क्या है? मॉडिफाइंग, बी मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी? हाउ डज CRISPR टेक्नोलॉजी, CRISPR टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स? इन्वॉल्व्स यूज ऑफ केमिकल म्यूटेशन, सेकंड है इट अलाउज फॉर प्रोसाइजिंग जीन एडिटिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन, सी है इट रिलाइज ऑन सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और डी है इट यूटिलाइज हाइब्रिड मॉस फॉर जीन ट्रांसफर। ये बी आंसर सही है, इट अलाउ फॉर प्रिसाइज जीन एडिटिंग एट ए स्पेसिफिक। इसका व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज एसोसिएटेड विद द इथिकल यूज ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन ह्यूमंस? ये इथिकल से आया है, इथिकल इश्यूज से आ गया है क्वेश्चन। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, सी है लिमिटेड जीन डाइवर्सिटी, और डी है इन एबिलिटी टू एडिट स्पेसिफिक जीन्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें बी है, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स? फार्मा एकोजेनेटिक्स स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, दूसरा है प्रोड्यूसिंग जेनेटिक फार्माक्यूटिक्स, सी है क्लोनिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म, और डी है एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर ए, देखिए करेक्ट आंसर ए, इसमें आंसर भी आ गया लिख के आगे। How does gene editing technology contributes to the treatment of genetic disorders? Cloning affected individuals, B है correcting or modifying disease causing genes, C है producing synthetic genes, और D है studying the inheritance pattern of genes। Answer इसमें क्या है? Correcting or modifying disease causing genes। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसको बहुत ठीक से पढ़ने की जरूरत है, इसी में से क्वेश्चन घुमा के आएंगे, बहुत ऊपर से बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर करके या हो सकता है इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन निकाले गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन? देखिए दोनों से मिलकर के आ गया है क्वेश्चन। एनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी, बी है मॉडिफाइंग वेदर पैटर्न्स, सी है प्रोवाइडिंग ए सुटेबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, डी है इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी। इसमें कौन सा आंसर है सही है? सी। नेक्स्ट, हाउ डज द यूज ऑफ स्टेम सेल कंट्रीब्यूट टू रीजनरेटिव मेडिसिन? स्टेम सेल, पहला आंसर है क्लोनिंग ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा आंसर है रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स, तीसरा आंसर है स्टडीइंग जेनेटिक म्यूटेशन, और फोर्थ है इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। इसमें देखिए रिपेयरिंग भी आंसर सही है, इसमें रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स, रीजनरेटिव मेडिसिन।
व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग आरएनए वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन, आरएनए वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन प्राइमरी एडवांस क्या है इसका? लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, टारगेटेड जीन एडिटिंग, सी है रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डी है इनहेंस्ड प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कौन सा है? रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, आरएनए वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का। हाउ डज बायोरेमिडेशन कंट्रीब्यूट्स टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? फर्स्ट आंसर है एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, दूसरा आंसर है क्लीनिंग अप पॉल्यूटेंट्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा है प्रोड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, और फोर्थ है क्लोनिंग इनडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सा आंसर सही है? बी, क्लीनिंग अप पॉल्यूटेंट्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिकल प्रोटीन्स व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट्स। कौन सा है? बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड थेरेप्यूटिकल प्रोटीन्स में। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग इन मेडिसिन? क्लोनिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ऑन पॉल्यूशन, सी आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑफ जीन एक्टिविटी इन स्पेसिफिक कंडीशन, फोर्थ है इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। इसमें कौन सा है? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑफ जीन एक्टिविटी इन स्पेसिफिक कंडीशन। How does nanomedicine contributes to target drug delivery in the human body? Cloning nanoparticles, synthesizing organic molecules, using nanoscale materials for precise drug release, or last high enhancing genetic diversity? इसमें आंसर सही क्या है? सी आंसर, यूजिंग नैनो स्केल मटेरियल्स फॉर स्पेसिफाइड ड्रग्स रिलीज। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोटेक्नोलॉजी? इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? किसका? ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड आंसर है डेवलपिंग न्यू एनर्जी सोर्स, सी है प्रोड्यूसिंग फार्माक्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सी है स्टडिंग नेचुरल इकोसिस्टम। आंसर क्या है? प्रोड्यूसिंग फार्माक्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। हाउ डज जीन नॉक स्टडीज कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक जीन्स इन मेडिसिन? पहला आंसर है क्लोनिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म, बी है इनहिबिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेटेड जीन्स, सी है स्टडिंग जीन साइलेंसिंग, और फोर्थ आंसर है एनहांसिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये बी आंसर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इन पर्सनलाइज मेडिसिन? प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक जीन्स और आइडेंटिफाइड जेनेटिक वेरिएशन फॉर ए टेलर्ड ट्रीटमेंट्स और एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इनहिबिटिंग आरएनए इंटरफेरेंस। कौन सा आंसर सही है? आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएशन फॉर टेलर्ड ट्रीटमेंट्स। हाउ डज CRISPR Cas technology contribute to development of genetically modified organism? Cloning entire, targeted gene editing in plants and animals, inhibiting gene expression, enhancing soil. ये क्या है? ये editing है, editing. CRISPR
कैश टेक्नोलॉजी एडिटिंग के काम में होता है. व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? क्लोनिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ड्रग प्रोडक्शन, सी है स्टडिंग नेचुरल इकोसिस्टम, फोर्थ है एनहेंसिंग वाटर अवेलेबिलिटी. कौन सा आंसर है? बी. इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन इसमें से हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑन हेल्थ फ्यूरी हो गई, हेल्थ हो गया. तो करीब करीब अगर आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन 2-3 जो आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, 2 या 3 आते हैं, तो इसी में से आएंगे. या तो प्रोसेस से आएगा, या तो टूल्स आएगा, या तो एप्लीकेशन से आएगा. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे. और इसको अगर रिवाइज करते रहेंगे, देखिए नीट में बैठने के लिए क्वेश्चन आंसर ही रिवाइज होता है. थ्योरी का मतलब क्वेश्चन आंसर. आप इसी तरह से हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो जितना थ्योरी पढ़ाएंगे उसी तरह से क्वेश्चन लाएंगे, तो आपका रिवाइज होता रहेगा. थैंक यू वेरी मच.